नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। पहले आपको बड़ी खबर देते हैं, फिर हम अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे। हरियाणा के अंदर भाजपा ने पहली लिस्ट जारी कर दी है और पहली लिस्ट में 6 लोकसभा उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है और अभी 4 सीट बची हुई है, उनके नामों की अभी घोषणा नहीं हुई है। लेकिन बात करेंगे, जो जेजेपी और भाजपा का गठबंधन टूटा है उस पे चर्चा करेंगे, किस तरीके से आज हिसार में दुष्यंत चौटाला की रैली थी जननायक जनता पार्टी की, उस पे चर्चा करेंगे, किस तरीके से आज तंज कसा गया है, कहीं ना कहीं एक टीस है। और बात करने के लिए हमारे साथ है विनय यादव जी। विनय यादव जी, आप तो इनेलो में रहे हैं काफी समय तक, जानते हैं जब इनेलो गठबंधन इनेलो था तो टूट करके जेजेपी बना और किस तरीके से मेहनत की थी। 2019 के अंदर 10 सीटें आई और उसके बाद भाजपा के साथ गठबंधन करके सरकार में आए, 4.5 सरकार चली, लेकिन कल जो हुआ घटनाक्रम, किस तरीके से उसको देखते हैं, उसके क्या राजनीति मायने हैं? मोहन जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको याद दिला दूं, अगर हरियाणा के अंदर कोई भी गठबंधन सरकार अपना पूरा कार्यकाल कभी नहीं कर पाई है, हर सरकार में गठबंधन बीच में ही टूटा है। मगर जेजेपी बीजेपी के साथ सबसे लंबे समय तक सत्ता में रही है, इसमें भी कोई संशय नहीं। मगर एक सबसे खास बात इसमें याद करने योग्य है कि जेजेपी जब चुनाव लड़ा था, जेजेपी ने, तो उन्होंने पूरा चुनाव भाजपा के विरोध में लड़ा था। आप, भाजपा ने हमेशा कांग्रेस के विरोध में लड़ा उस टाइम चुनाव, और जेजेपी ने पूरा चुनाव भाजपा के विरोध में लड़ा था। और उस समय भी जेजेपी जब इंडियन नेशनल लोकदल से अलग होकर आई थी तो उन्होंने, दुष्यंत चौटाला ने अपने आप को बेचारा साबित किया था और उस बेचारगी को देखते हुए उसे देवीलाल परिवार का ही वंश समझते हुए समर्थन देते हुए उनके 10 विधायक को उन्होंने विधानसभा में भेजा था। बहुत अच्छा रिजल्ट रहा उस समय अगर हम कहें तो, अगर एक नई पार्टी बनी और बनने के बाद 10 विधायक वो जीत कर आई। मगर सबसे बड़ी दिक्कत कहां आई, जेजेपी के कार्यकर्ताओं में, जो कार्यकर्ता, जो नेता, जो वर्कर दिन रात भारतीय जनता पार्टी को गाली बकते थे, उन्हें ही अपने एक, मैं ये कहूं, अनमने से या बुरे मन से अपने नेता के साथ वहां जाना पड़ा। और आप देखेंगे उस समय के विरोध के सुर, अगर जेजेपी कार्यकर्ता को, तो उन्होंने बहुत कहा था गठबंधन में मत जाइए, फिर भी कहीं ना कहीं उन्हें लगा कि सत्ता में हम रहेंगे तो हम हरियाणा के लिए, जनता के लिए काम कर पाएंगे, इसलिए उनके वर्करों ने, उनके नेताओं ने उस बात पर संतोष कर लिया था। अब बात आती है आज की परिस्थिति की। आज की परिस्थिति में लगाइए तो हरियाणा में कभी भी गठबंधन सहयोगी दल के द्वारा नहीं तोड़ा गया। हर बार गठबंधन को अगर तोड़ा है तो भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा है, चाहे वो आप बंसीलाल के समय की बात करें, उस बार, उसके बाद फिर चौटाला साहब के जब सरकार रही इंडियन नेशनल लोकदल की, उनके साथ गठबंधन की बात करें, अब जेजेपी की बात करें, तो हर बार जो धोखा देने का काम किया है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। पर सबसे बड़ा मुद्दा ये उठता है, आज मैंने हिसार में जो रैली थी जेजेपी की, नव संकल्प रैली, बहुत अच्छा नाम दिया नव संकल्प, अब नया संकल्प आज से वो ले रहे हैं, क्योंकि पुराने जो संकल्प उन्होंने लिए थे वो सारे संकल्प उन्होंने भुला दिए, दबा दिए, या सत्ता के लालच में रहते हुए उन्होंने अपने संकल्पों को, अपने आदर्शों को भूल गए थे। और आज फिर वही परिस्थिति हरियाणा के अंदर दोहराई जा रही है। अगर माननीय हमारे डिप्टी सीएम साहब अपने आप को फिर से बेचारा साबित करने में लगे हुए हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं, अगर आप मुझे फिर से सत्ता में लाइए, पहले से ज्यादा समर्थन दीजिए और मैं आप लोगों के हित के लिए काम करूंगा। मगर एक बात उन्होंने कभी नहीं कही, अगर जब मैं सत्ता में 4.5 साल रहा तो मैंने कितने हित के काम हरियाणा सरकार में रहते हुए किए। अगर वो अपने काम गिनाते हैं कि ये काम मैंने किए, तो वो हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं थे, वो केवल डिप्टी सीएम थे। अगर उनकी श्रेय काम की उपलब्धता गिनी जाएगी तो सीएम के खाते में जाएगी, और अगर सीएम साहब काम कर रहे थे तो उपलब्धि यकीनन है भारतीय जनता पार्टी अपने खाते में उनको गिनाएगी। और अगर डिप्टी सीएम रहते हुए कहते हैं अगर हमने सत्ता में रहते हुए काम किए, तो मैं एक बात फिर से उनसे याद दिलाना चाहूंगा, अब उनका जो घोषणा पत्र था 2019 में जब वो चुनाव लड़े थे,
अगर वो अपने घोषणा पत्र को सिलसिलेवार पढ़े तो मुझे उनमें से एक शर्त ऐसी, एक घोषणा अपनी ऐसी बता दे जो उन्होंने सत्ता में रहते हुए उन्होंने उसको पूरा करवाया हो। लेकिन मेरा एक सवाल बीच के जरा ना, अगर काम किया है तो फिर गठबंधन क्यों टूटा, सीएम को क्यों हटाया गया, नायब सिंह सैनी को क्यों लाया गया, ये सवाल तो बड़े खड़े हो रहे हैं ना। ये बात तो यही हो रही थी कि काम नहीं हो पा रहा, सरकार की एंटी इनकम्बेंसी है, बीजेपी के लोग नाराज थे, जजपा के लोग नाराज थे, तमाम चीजें, स्थिति कहीं ना कहीं तो है ना डामाडोल। मोहन जी, नाराजगी किसी की नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी की एक नीति, एक पॉलिसी है, जब उन्हें किसी की जरूरत होती है तो वो उसकी इतनी बड़ाई करते हैं और उसको अपने साथ लेने में कभी वो गुरेज नहीं करते। ये केवल हरियाणा का उदाहरण नहीं है, आप बिहार को देखिए, यूपी को देखिए, महाराष्ट्र को देखिए और भी बहुत सी स्टेटें हैं जिनके अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी दलों को साथ लिया है और समय आने पर उन्हीं सहयोगी दलों को खत्म करने का काम किया है। ये उनकी एक परंपरा है, रीत है, इसमें कोई और उन्हें इस बात पर कोई मलाल और शर्म भी नहीं आती है। अब हम जो वादे करते हैं, जो बातें हम स्टेज पे खड़े होकर अपने सहयोगी नेताओं के लिए करते हैं, कुछ दिन बाद उन्हीं वादों से पलटकर उनकी पीठ में ही छुरा घोंपने का काम वो हमेशा से करते आए हैं और करते रहेंगे। नहीं, एक और सवाल मेरा है, देखिए कल शपथ ग्रहण समारोह हुआ, 5 जो पुराने मंत्री थे उन्हीं को शपथ दिलाई गई, कहें कि सिर्फ एक लेवल बदला गया है, बोतल वही है, बोतल के अंदर शराब वही है, एक लेवल बदल दिया गया। सहकारिता विभाग में घोटाले का मामला उठा था, फिर मंत्री बना दिया गया, अभी पोर्टफोलियो क्या मिलेगा वो देखना होगा। क्या लगता है उसका पोर्टफोलियो भी बदला जा सकता है बनवारी लाल जी का? मतलब ये तमाम चीजें हैं कि आप भ्रष्टाचार से कब तक मुंह मोड़ेंगे, कब तक आप जनता को जवाब नहीं देंगे, कब तक आप सवालों से भागते रहेंगे? मोहन जी, 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी आई थी, भ्रष्टाचार को उन्होंने एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था, मगर आज के समय की अगर आप बात करें तो टोटल हिंदुस्तान के जितनी भी पार्टियों के भ्रष्टाचारी थे वो अधिकांश मैक्सिमम आज के समय में भारतीय जनता पार्टी में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। तो भ्रष्टाचार मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है, वो केवल भाषणों में कहने के लिए तो हो सकता है, पर धरातल पे भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया है। भ्रष्टाचार पे केवल वो काम कर रहे हैं तो दिखावे के लिए, सहयोगी दलों को या विपक्षी दलों को कमजोर करने के लिए, जनता में भ्रम फैलाने के लिए, लोगों में एक अलग से नैरेटिव सेट कर रहे हैं वो। हम कार्रवाई कर रहे हैं केवल विपक्ष के लिए कर रहे हैं, अपनी पार्टी का भ्रष्टाचार ना आज तक उनको दिखाया ना कभी आगे भी दिखाई देगा। नहीं, एक और चीज मेरा सवाल है, क्या लगता है जैसे एक सांप सीढ़ी का खेल होता था, सांप खा जाता था लौट करके नीचे, आज जेजेपी के साथ वही स्थिति है। संकल्प रैली में आपने सुना होगा ना, संकल्प रैली के अंदर कि भाई हमारे पास 6 महीने का समय है, पिछली बार हमारे को 15 महीने का समय था जब हमने NLO को तोड़ करके और जो अपने नई पार्टी बनाई थी, तो 6 महीने के अंदर हम गेन कर लेंगे, अभी चुनाव में वक्त है। और लोगों से पूछा गया, आप कहेंगे तो लोकसभा चुनाव हम 10 की 10 सीटों पर लड़ेंगे, कहेंगे तो नहीं लड़ेंगे। और जिक्र भी किया कि मैं तो एक भी सीट नहीं मांग रहा था, मैं तो सिर्फ 5100 रुपए कर दीजिए बुजुर्गों की पेंशन में, उसमें भी संतुष्ट था। ये तमाम सवाल क्या कहते हैं, इमोशनल लोगों को बनाया जा रहा है या भावुकता पैदा की जा रही है, या फिर बीजेपी की एक रणनीति थी कि जाट वोट बैंक जो नाराज है उसको किसी तरीके से डिवाइड किया जाए, बांटा जाए। मोहन जी, जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई उस समय के उनका जो नारे थे आप उनको देखिए, उसके विपरीत उन्होंने सारे काम किए। अलायंस की जरूरत पड़ी, सरकार बनानी थी तो दुष्यंत चौटाला जी बिना बुलाए समर्थन देने के लिए चले गए, क्योंकि उन्हें उस बात का बहुत डर था कहीं कुलदीप बिश्नोई की तरह आपके विधायक भी बागी होकर आपको ना छोड़ जाएं और भारतीय जनता पार्टी निर्दलीय और आपके बागी विधायकों के सहारे से सरकार बना ले और आप सत्ता से वंचित रह जाए। ये एक परिदृश्य है जो सत्ता के लालच को दिखाता है। अब वो बात करते हैं ताऊ देवीलाल की नीतियों पर चलने की, बिल्कुल परिवार उन्हीं का है, पौधा उन्हीं का लगाया हुआ है, पर मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, ताऊ देवीलाल ने जिस पेड़ को लगाया उस पेड़ को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने अपने कार्य क्षेत्र से, अपने कर्म से, अपने विचारों से, अपनी कार्यशैली से सींचकर बड़ा किया। उन्होंने एक बड़ा अच्छा भाषण दिया, भाई भाइयों में हमेशा विवाद रहता है उसकी कोई बात नहीं, पर मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, क्या कभी किसी बेटे का अपने पिता से कोई विवाद हो सकता है? क्या किसी पोते का अपने दादा से कोई विवाद हो सकता है? इस पूरी रैली में किसी भी भाषण में उन्होंने कभी नहीं कहा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी सत्ता में थे तो हमने, डॉक्टर अजय चौटाला ने बहुत अच्छे काम किए, चौधरी
देवीलाल ने तो काम किए किए, पर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जो मेरे दादाजी से या अभय सिंह चौटाला सॉरी अजय सिंह चौटाला के जो पिताजी थे, उन्होंने भी सत्ता में रहते हुए बहुत अच्छे काम किए। अब दोनों बातों को आप साथ लेकर चलिए, या तो वो उस बात को नकार दे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने काम अच्छे नहीं किए, अगर ये लाइन अगर वो कह देते हैं तो यकीन मान के चलिए हमारे जो इनेलो के जो कोर वोटर हैं जो दो भागों में बट गए हैं इनके गृह कलेश की वजह से, वो एकदम से पलायन करके चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ चले जाएंगे। अब ये बात कहने की उनमें हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो अपने दादा के काम को कैसे नकार सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात ये अपने काम वो गिनवा रहे हैं कि हम सत्ता में रहे 4.5 महीने हमने सत्ता धर्म निभाया, मगर एक चीज मुझे बताइए, अब बीजेपी ने उनको दरकिनार कर दिया, अब उनके जब वो 15 महीने जब उस पार्टी उन्होंने बनाई तो 10 विधायक वो जिता कर लाए, अब 6-7 महीने के कार्यकाल में वो कितने विधायक जिता कर ला सकते हैं, उनमें से उनके 4 से 5 विधायक तो उनको छोड़कर वहां सीएम साहब के शपथ ग्रहण समारोह में थे। जब वो अपने विधायकों को नहीं संभाल पा रहे हैं, जो डर उनको पिछले 4.5 साल से था और वो डर सच्चा साबित हुआ, भारतीय जनता पार्टी सेंधमारी करती है और अन्य अपने सहयोगी दलों के विधायकों को तोड़कर अपने पास मिला लेती है। तो आपको लगता है जेजेपी का कोई अस्तित्व भी आपको नजर आ रहा है हरियाणा के अंदर, जिस तरीके से मुखर होकर के 2019 से पहले पार्टी बनी और मुखर होकर के पूरे प्रदेश भर के अंदर पार्टी प्रचार किया, जमुना पार कर देंगे बीजेपी को, किस तरीके से पेपर को लेकर के दूर दराज जो लोगों को फेंका जा रहा था वो तमाम चीजें, क्या अब लोग विश्वास कर पाएंगे, क्या प्रदेश के अंदर जेजेपी को लेकर के लोगों में उम्मीद है? क्योंकि उनकी पार्टी के नेता जो हम जानकारी मिल रही है, कई कई नेता तो जो है पार्टी मुखिया से कई कई दिन हो जाते हैं मिले हुए। मोहन जी, कोई भी पार्टी अपनी रैली करती है, मीटिंग करती है, तो उस पार्टी में उसी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जाते हैं, ठीक है जी, और वो जो बात उनका नेता जो कहेगा उनके लिए वही लुभावनी बात होती है, वो उसका समर्थन करना उनकी मजबूरी भी, और उन्हें वो अच्छा भी लगता है, अगर हमारा नेता आगे हो सकता है इस तरह के बदलाव करेगा और हमारा भी भविष्य आगे उज्जवल होगा। पर एक चीज आप देखने के लिए, मैं रेवाड़ी का उदाहरण देता हूं, अगर हमारे श्याम सुंदर सब्बरवाल जी को कहीं नहीं लग रहा था बीजेपी और जेजेपी का अलायंस खत्म होगा, और हमारे माननीय सांसद साहब के वहां पूरे चरणामृत हो गए थे, पूरे नतमस्तक हो गए थे, आगे जो टिकट वो जेजेपी से मुझे दिला देंगे, बनवारी लाल जी के जो महकमे में घोटाले हुए हैं उनके आधार पर उनको आगे टिकट नहीं मिलेगी, तो अपने वो स्वार्थ को देखते हुए वो हमारे माननीय सांसद साहब के चले गए। अब इस तरह के पता नहीं कितने विधायक का जो सपना पाल रहे थे राजनीति में, महत्वाकांक्षा जो जेजेपी से रख रहे थे, उन सबके सपनों को चकनाचूर कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर जेजेपी थी तो उनकी ताकत दुगनी थी, अब वो ताकत दोनों की बढ़ गई है। दूसरी बात, एंटी इनकंपेंसी भारतीय जनता पार्टी और जेजे के पे खिलाफ इतनी भारी थी, अगर लोग इस बार इन दोनों को सत्ता से बाहर करना चाह रहे थे तो कोई भी अपने सर इस बात का ठीकरा नहीं लेना चाह रहा था, ना जेजेपी और ना भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी ने तो सारा ठीकरा जेजेपी पे फोड़ दिया। अब ये लोग समझेंगे वो भाजपा की बातों में कितनी सच्चाई समझते हैं और जेजेपी अब जिस तरह के मीठे लुभावने वादे कर रही है उन पे कितना विश्वास कर पाते हैं। तो अब जैसे अगर मान लो ये चुनाव होंगे लोकसभा के, अगर जेजेपी उम्मीदवार लड़ती है, भाई आप तो 1-2 सीट मांग रहे थे, अब तो गठबंधन टूट के उतारे 10 के 10 के ऊपर, आपके पास 10 सीटें हैं, आप 1-2 मांग रहे थे, तो क्या लगता है अगर ये उतारेंगे तो इन पर भी ईडी की कार्रवाई होगी? अगर ये भाजपा के खिलाफ बोलेंगे मुखर होकर के, जैसे 2019 में मुखर होकर के इन्होंने प्रचार प्रसार किया, क्या इस बार कर पाएंगे ये प्रचार प्रसार इतना भाजपा के खिलाफ, क्योंकि आप उसी सरकार में रहे 4.5 साल और फिर किस तरीके से दूध में से मक्खी की तरह आपको रातों रात निकाल दिया जाता है? मोहन जी, इस समय जेजेपी के नेताओं के पास भाजपा के विरोध के अलावा वोट मांगने का कोई दूसरा तरीका है ही नहीं और बचा भी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस लंबे समय से सत्ता में नहीं है, इंडियन नेशनल लोकदल लंबे समय से सत्ता में नहीं है, सत्ता में भारतीय जनता पार्टी रही थी, उनके खिलाफ वोट मांगना इनकी मजबूरी है। पर एक और सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है, अगर वो खुलकर भारतीय जनता पार्टी की बुराई करते हैं तो लोग सवाल करेंगे आप भी तो 4.5 साल सत्ता में थे, फिर आपने उस समय आवाज क्यों नहीं उठाई, आपने काम क्यों नहीं किए, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत इनके सामने आ रही है। अगर वो ना मुखर होकर उनके विरोध में कह पा रहे हैं और ना ही वो उनके पक्ष में कह पा रहे हैं, और ये जो दुविधा है ये दुविधा उनको बड़ी भारी पड़ेगी। दूसरी बात आप करें 10 सांसद उतारने की बात, 10 सांसद उतारने वाली अगर पार्टी में दम होता तो वो 1 या 2 सांसदों पे संतोष करने के लिए क्यों तैयार बैठी थी? वो एक मैंने भाषण सुना अभी, उन्होंने तो ये तक कह दिया था अगर आप भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ गठबंधन में रहती है तो हम 1 भी सांसद नहीं उतारेंगे, हर 10 की 10 लोकसभा सीट पे उनकी मदद करेंगे। जब पार्टी की विचारधारा उनके सीनियर नेताओं की सोच ही इस तरह की थी तो वो कैसे इंडिपेंडेंट होकर चुनाव लड़ेंगे? लड़ेंगे, मजबूरी है, पर वो जिता कैसे पाएंगे ये
जनता की समझ से पार है और राजनीतिक परिदृश्य से भी बहुत बाहर है ये चीजें। एक और सवाल कर लेता हूँ, अहम ध्यान होगा आपको, लॉकडाउन के दौरान शराब का मुद्दा, रजिस्ट्री का मुद्दा लगातार उठाता, किस तरीके से करोड़ों के घोटाले की बात आई थी, ये तमाम चीजें अब 2024 के चुनाव में दोबारा सुनाई देगी। मोहन जी आप एक चीज समझ के चलिए, जब आपने 4.5 साल सत्ता में रहके मलाई खाई है और उस समय आपने हरियाणा के जनता के कर्मचारियों के लोगों के हितों का ध्यान नहीं रखा, क्योंकि पहलवानों का आंदोलन देखिए, हरियाणा के खिलाड़ी सबसे ज्यादा थे, सबसे ज्यादा आंदोलन उनके साथ हुआ, अत्याचार भी इन्हीं के शासन काल में, जब भारतीय जनता पार्टी का सीएम था और जेजेपी का उप मुख्यमंत्री था और उन्हीं के कार्यकाल में जब इतना भारी अत्याचार हमारे खिलाड़ी पहलवानों के साथ हुआ, एक बार भी उन्होंने नहीं कहा अगर हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे या जांच कराएंगे, हम खिलाड़ियों के साथ हैं। दूसरे बात करते हैं किसान आंदोलन की, किसान आंदोलन हुआ, अभी आप ताजा तरीन उदाहरण देखिए, अब इस तरह के हरियाणा के बॉर्डर के ऊपर बैरिकेड लगाए गए, अब कितने भारी बैरिकेडिंग और इतना बड़ा व्यवस्था चाक चौबंद हमारे किसानों के खिलाफ कभी नहीं हुई, भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर भी इतनी वो व्यवस्था नहीं कही गई जितनी हमारे पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर करी गई। उस समय कभी एक बयान नहीं आया हमारे मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम साहब का, अगर हम किसानों के साथ हैं और इनकी जायज मांग है और हम इनकी जायज मांग का समर्थन करते हैं। इस तरह रोडवेज कर्मचारियों के साथ लाठीचार्ज हुआ, टीचर्स के साथ लाठीचार्ज हुआ, आंगनवाड़ी कर्मियों का धरना प्रदर्शन रहा, तो किसी भी मुद्दे पर इन्होंने बोल स्टैंड नहीं लिया। अब ये किस मुंह से कह पाएंगे हमने लोगों के हित के लिए काम किया और आवाज उठाई, इनकी आवाज तो दबी हुई थी उस टाइम, केवल सत्ता के लालच में दबी हुई थी। बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं, लेकिन जब आप सत्ता में थे, जब आप बोलते नहीं है और बाहर आकर के आप बोलते हैं, लेकिन मेरा एक सवाल है, ये कोई एक माइंड गेम तो नहीं है, ये एक राजनीति तो नहीं है कि जानबूझ करके अलग हुए हैं, लोगों में एक मैसेज जाए, संपत्ति मिले, या फिर इस तरीके से कि एक माहौल क्रिएट किया जाए संपत्ति का कि भाई देखिए हमारे को कैसे निकाल दिया गया, ये तमाम चीजें हैं, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि समय का अभाव है मेरे पास, इस चर्चा को भी बड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा अगर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आज रैली के अंदर बड़ी बड़ी बातें की गई है, अजय चौटाला जी का जन्मदिन था, वो जन्मदिन भी मनाया गया, नव संकल्प लेने की बात की गई है, क्या संकल्प लिया जाएगा, ये तमाम चीजें हैं, लेकिन नाराजगी कहीं ना कहीं जनता के अंदर है जेजेपी को लेकर के, और कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी है। मोहन जी बिल्कुल नव संकल्प है, पुराने संकल्प मैंने पहले का सारे भूल चुके हैं, रैली हुई, बीजेपी से इनका गठबंधन खत्म हो गया, अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है, अब जो मैनिफेस्टो लेकर 2019 के चुनाव में आए थे, 5100 रुपए पेंशन देंगे, किसानों की आय का मुद्दा था, 75% नौकरियों को आरक्षण के लिए कहा था, स्थानीय युवाओं को, हरियाणा के युवाओं को 75% नौकरी में आरक्षण दिया जाएगा, उन्होंने कोई भी एक चीज नहीं रखी, हमने इतना काम इन अपने पोर्टफोलियो पे किया है, किसी बात पर कोई भाषणबाजी कोई चर्चा नहीं की। अब मैं वही बात फिर कह रहा हूं, अब वो जाएंगे किस मुद्दे पर जनता के पास चुनाव लड़ने के लिए, ये तो मजबूरी है, चुनाव उनको अकेले लड़ना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी ने उनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर रख दिया। अब उन्होंने एक लाइन कही अपने भाषण में, गाय तो गई गई खूटा भी पाड़ ले गई, अब ये समझ में नहीं आ रहा, अब गाय उन्होंने अपने आप को कहा है या मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को कहा है या खूटा अपने आप को कहा है या गाय उन्होंने कहा है, पर दोनों परिस्थिति में तो एक ही बात हुई, हरियाणा की जो ठाण थी, जो भूमि थी, जो क्षेत्र था, वहां से गाय और खूटा दोनों भाग गए हैं। तो ये सोचने वाला विचार है, अब किसको गाय समझे किसको खूटा समझे ये सोचने का विषय नहीं, विषय तो ये गाय और खूटा दोनों गायब हो गए हैं। क्योंकि चलते चलते आज जान लेते हैं, टिकटॉक की घोषणा हुई है, 6 नाम आपके सामने आ गए, गुरुग्राम से राव इंद्रजीत सिंह को लिया, कृष्ण पाल गुर्जर को दोबारा से, धर्मवीर को, इन तीनों को तीसरी बार टिकट दी गई है, और मनोहर लाल खट्टर को करनाल से उतारा गया है, और बंतोष जो है कटारिया की धर्मपत्नी थी उनको उतारा गया है, तो ये तमाम चीजों को आप किस तरीके से देखते हैं, क्या चुनावी इफेक्ट होगा 2019-24 के अंदर इसका? मोहन जी अगर भारतीय जनता पार्टी के पास 10 सशक्त उम्मीदवार लोकसभा के होते तो आज ही वो 10 की 10 सीटों की घोषणा कर देती, ये आप मान के चलिए। अब ये सारा जो खेल चल रहा लंबे समय से गठबंधन को झेला जा रहा था, वो इसलिए झेला जा रहा था, अब हम किसी तरह सामंजस्य से बैठा के ऐसे उम्मीदवार पैदा करें जो जीत हमें दिला सके, मगर हकीकत इससे कोसों दूर है। हरियाणा के अंदर इस बार ऐसा लग रहा था अगर मैक्सिमम जो सांसद आएंगे वो भारतीय जनता पार्टी जेजेपी के विरोध में आएंगे। अब बात करिए आप अभी कह रहे हैं 10, अब आज तक
इन्होंने एक भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की। आज भी भाषण में कहा है हमारे पार्टी सुप्रीमो अगर ये कहेंगे एक भी सीट पे चुनाव नहीं लड़ना है तो हम नहीं लड़ेंगे, और कहेंगे सब पे लड़ना है सब पे लड़ेंगे, दो की कहेंगे तो हम दो पे लड़ेंगे। तो ये बात इनकी इस बात को दर्शाता है, अब उनका मनोबल अंदरूनी रूप से इतना टूट चुका है तब वो समझ नहीं पा रहे हैं हम कितनी सीटों पर चुनाव लड़े और कहां से किसको चुनाव लड़ाएं। हाँ, खाना पूर्ति के लिए आप 10 कैंडिडेट उतार सकते हैं, जेजेपी के पास फंड की भी कमी नहीं है, सत्ता में रह लिया आप 4.5 साल, पैसा भी आपके पास पार्टी में आया होगा, पार्टी को आपने गेन भी किया है, लेकिन किस तरीके से धराशायी हुई है तमाम चीजें तो जेजेपी के साथ है। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी के साथ जिस तरीके से भी 6 नामों की घोषणा की गई है क्यों नहीं 10 के 10 कर दिए गए, क्या वेट एंड वॉच की स्थिति के अंदर है, अभी कुछ और नाम कांग्रेस कर दे या आप कल एक आधे दिन में कांग्रेस की कोई लिस्ट आ सकती है, क्योंकि रिपीट पे रिपीट तीसरी बार आप रिपीट कर रहे हैं राव इंद्रजीत को, कृष्ण पाल गुर्जर को, यानी कि धर्मवीर को, तो क्या बाकी में बीजेपी के पास भी उम्मीदवारों की कमी है, बदल नहीं सकते? मोहन जी, जो नाम घोषित किए गए उनमें से 4 नाम तो ऐसे जिनका डर था भारतीय जनता पार्टी को, अगर इनकी टिकट घोषणा पहले नहीं की गई हो सकता है ये भी हिसार के सांसद की तरह कहीं पार्टी को अलविदा ना कह दे और फिर पार्टी का एक भी सांसद हरियाणा में ना जीते, क्योंकि अच्छे नेताओं का असर दूसरी लोकसभाओं पर भी पड़ता है और विधानसभाओं पर भी पड़ता है। ये डर भारतीय जनता पार्टी को था, इसलिए उन्होंने उन नेताओं के 4 की घोषणा पहले की है जिनको उन्हें लगता था ये आपकी पार्टी को अलविदा कहीं ऐन समय पर ना कह दे। चर्चा चल रही थी कि 3-4 सांसद भी पार्टी छोड़ सकते हैं जिस तरीके से विजेंद्र सिंह ने छोड़ा है और चौधरी जो है बिरेंद्र सिंह के सुपुत्र ने छोड़ी है, तो चर्चाएं लगातार थी गर्म की और भी सांसद जा सकते। ये तो बिजेंद्र सिंह जी ने, सांसद जी ने अपने बयान में कहा था कि मेरे अलावा भी कई सांसद लाइन में हैं जो पार्टी छोड़ सकते हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी को भी खबर लगी होगी, इसलिए उन्होंने इस बात को रखते हुए कई सांसद खड़े करने लायक उम्मीदवार आपके पास ना हो जो जीत सके, इसलिए घोषणा की गई है अभी जल्दी से। दूसरा, अब आप मान के चलिए कांग्रेस भी इन्हीं 6 सीटों पे उम्मीदवार पहले घोषित करेगी, वो भी इस बार वेट एंड वॉच की राजनीति कर रही है। चुनाव के समय अदला बदली आदान प्रदान नेताओं का छोड़ना और आना, विपक्ष के दलों का मिलाया जाना, सत्ता दूसरों को मिलाती है, विपक्ष सत्ताधारियों को मिलाते हैं, ये आम बात है, हर चुनाव में होता है। पर बीजेपी नेता नहीं पैदा कर पाई कि भाई रिप्लेस किया जाए, ये भी देखिए राव इंद्रजीत सिंह के जगह देखिए आरती राव को टिकट मिल जाए, बदल सकते थे आरती राव के, राव इंद्रजीत सिंह के लिए भी चुनौती है बेटी को राजनीति में स्थापित करना, नहीं लगता 24 में मौका था कि भाई उनको टिकट दिला देते। मोहन जी, अगर हरियाणा में आप बात करें किसी भी पार्टी में अगर कोई नेता है तो वो पौधे लगाए हुए हैं चौधरी देवीलाल जी की पार्टी के, चौधरी अजय सिंह सॉरी चौधरी हम ओम प्रकाश चौटाला जी की पार्टी के ही पौधे हैं। मैं आज भी आपको गिना सकता हूं कि हरियाणा की राजनीति में जितने भी नेता हैं वो 80% देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश जी की चौटाला की पार्टी में कभी ना कभी किसी ना किसी पद पे संगठन में वो जरूर रहे हैं, वो अलग बात है कि वो बाद में छोड़ के चले गए। अब आप जेजेपी की करें, जो लोग जेजेपी के बुरे समय में इनको छोड़ के चले गए तो आने वाले समय में क्या गारंटी है, अब जनता जिनको जिताएगी वो आने वाले समय में इनके साथ रहेंगे, वो फिर अगर इस बार सीटें पहले कम आनी है इसमें कोई दो राय नहीं है, ये आप मान के चलिए, क्योंकि जनता बहुत अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होगा, जेजेपी आरोप लगाएगी बीजेपी पे कि इन्होंने काम नहीं करने दिया हम दबाव में थे, बीजेपी कहेगी कि जेजेपी की वजह से हम काम नहीं कर पाए इन्होंने काम नहीं करने दिया, पर अल्टीमेटली एक बात इस बात से सिद्ध होगी अगर दोनों पार्टियों की मंशा काम करने की नहीं थी और अगर काम करने नहीं दिया गया है तो इनकी विचारधारा में नीति में कैसे बदलाव आएगा, जब वो अब काम कर नहीं कर पाए तो आगे कैसे करेंगे, ये सवाल भी एक जनता के दिमाग में जहन में पैदा होता है। तब दुष्यंत जी ने कहा था कि 5100 रुपए पेंशन देंगे, आज तक 5100 रुपए वो सत्ता में रहते हुए 4.5 साल में 5100 रुपए पेंशन नहीं करा पाए। अगर एक बात हमारे माननीय नेताजी ने कही, जेजेपी के बड़े नेता ने, चौधरी देवीलाल जी 24 घंटे इस्तीफा अपनी जेब में रखते थे और लोगों का आना जाना कोई बड़ी बात नहीं, राजनीति में संघर्ष बहुत बड़ी बात है, तो मैं ये कहता हूं दुष्यंत चौटाला जी ने आज तक जेब में इस्तीफा क्यों नहीं रखा, जब किसान आंदोलन की बात हुई जब उन्होंने क्यों नहीं कहा मैं इस्तीफा दे दूंगा, जब खिलाड़ी पहलवानों के साथ अत्याचार हुए जब क्यों नहीं कहा मैं इस्तीफा दे दूंगा, जब आंगनवाड़ी वर्कर धरने पर बैठी थी उन पर लाठियां बरसाई जा रही जब क्यों नहीं कहा मैं इस्तीफा दे दूंगा, उस समय सत्ता मोह उनके लिए सबसे ज्यादा प्रिय था। जेजेपी फंस गई ट्रैप में कहीं ना कहीं, बिल्कुल फंस गई है, क्षेत्रीय दल को भारतीय जनता पार्टी ऐसे फंसाती है जैसे सांप के मुंह में चचुंदर ना उगला जाए ना निकला जाए, वो कहानी हो जाती है। आगामी लोकसभा विधानसभा चुनाव आप मानते कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही रहेगा, क्योंकि इनेलो भी अभी आज की डेट में हाशिए पे है, आम आदमी पार्टी से गठबंधन है, अगर इनेलो का भी गठबंधन कांग्रेस के साथ हो जाता है आपकी तरह तो क्या लगता है बीजेपी को बड़ा नुकसान होगा? देखिए, एक सबसे बड़ी बात आज दुष्यंत जी ने कही, हमारे डिप्टी सीएम साहब ने, मुझसे गलतियां हुई है मैं उनकी आपसे माफी मांगता हूं, मतलब वो मान रहे हैं कि उनसे गलतियां हुई हैं,
तो गलतियां हुई हैं तो वो उस बात को भी तो उजागर करे, किन किन मुद्दों पे मेरे से गलतियां हुई और मैं कौन कौन से काम सत्ता में रह के नहीं कर पाया। सत्ता का दबाव था, और अगर इतना भारी दबाव था तो उस समय उन्होंने बीच में सत्ता सरकार को क्यों नहीं गिराया, उस समय उन्होंने विरोध क्यों नहीं किया। तो ये दबाव तो उनकी अब मानसिकता पर हावी हो गया, और आगे भी अगर किसी दल की सरकार बहुमत में नहीं आई वो फिर से समर्थन देंगे और उसके खिलाफ वोट मांगेंगे। एक अहिरवाल से जुड़ा सवाल कि कल जब से सीएम बनाया है नायब सिंह सरे को, नहीं लगता राव इंद्रजीत सिंह का भी नंबर आ सकता था, बना देते। ओबीसी आपको बनाना था, सनी से ज्यादा वोट है तो एक नया मैसेज जाता। कल भी हमने इस पे चर्चा की थी, राव इंद्रजीत सिंह भी आके पहल करते भाई, यहाँ से इलाके से आवाज उठती भाई बनाए उनको। मोहन जी, इस विषय पर एक भारतीय जनता पार्टी नहीं, चाहे कांग्रेस है, चाहे भारतीय जनता पार्टी, चाहे अन्य दल है, मैं पहले भी कह चुका हूं कि दक्षिणी हरियाणा के साथ हमेशा भेदभाव किया जाता है और होता रहेगा। ये बात मैं नहीं कह रहा, हमारे माननीय सांसद साहब जब कांग्रेस में थे, जब उन्होंने आरोप लगाए हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी में रहे जब आरोप लगाए भेदभाव हो रहा है, अब वो फिर आएंगे वोट मांगने और कहेंगे जी मुझे दोबारा से वोट दे, मैं आगे भेदभाव नहीं होने दूंगा। जब 20 साल के लंबे कार्यकाल में वो भेदभाव को दूर नहीं कर पाए, अपनी बातों को मुखर होकर नहीं रख पाए, आगे कैसे उम्मीद करेंगे वो इस बातों को रख पाएंगे। अब मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूं, मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती तो इस समय एक वो बड़ा मैसेज हरियाणा प्रदेश को दे सकती थी, अहीर मुख्यमंत्री बनाकर, और बनाना चाहिए। जब सबका नंबर आ सकता है तो अहीरों का नंबर क्यों नहीं आ सकता। मगर उन्होंने माननीय सांसद साहब को, राव इंद्रजीत सिंह को एक दायरे में बांध के रखा हुआ है और उस दायरे से बाहर उनको निकलने नहीं दे रही है। मंत्रिमंडल में भी नहीं लिया किसी अहीर को। मैं वही कहना चाह रहा था, अगर ऐसी बात थी पिछली लोग उसमें कार्यकाल में हमारे यहां से बहुत पुराने भाजपा के विधायक थे रणधीर सिंह कापड़ीवासी, उनको मंत्री नहीं बनाया गया। अब आप बात करें लक्ष्मण जी की, लक्ष्मण भी भारतीय जनता पार्टी के पूरे निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, वर्कर हैं, उनको मंत्री अब तक नहीं बनाया गया। अब बात करें हमारे और अन्य अहिर नेताओं की, तो इनका एक काम है, चाहे वो कांग्रेस है, बीजेपी, अन्य दल, वो आपस में अहिर नेताओं को इस तरह लड़ाती रहती हैं, चाहे दान सिंह हो गए, चाहे अन्य नेता हो गए, सबको इस तरह से लड़ा के भ्रमित करती रहती है, आगे के लालच देती रहती है। आप चुप रहिए। देखिए कैप्टन अजय सिंह यादव को लंबे समय तक मंत्रिमंडल मिला है, ऐसी बात नहीं, वित्त मंत्री रहे, बिजली मंत्री रहे, पर्यावरण मंत्री रहे हैं, तो कांग्रेस में कैप्टन अजय सिंह यादव को तो मिला है। नहीं, वो पार्टी के प्रति शुरू से समर्पित रहे, लगातार उसी पार्टी में रहे, तो पार्टी ने उसका रिवार्ड उनको दिया। मगर बात और भी कई तरह की, एक हमारे आपस के नेताओं की जो आपसी फूट है वो एक मंच पर नहीं आ पाते, क्योंकि त्याग करने के लिए कोई तैयार नहीं है। सवाल ये, अगर सीएम बना देते तो आज स्थिति कुछ और होती। आज अगर वो सीएम अजीत सिंह अपनी लोकसभा सीट के साथ, अगर आज अहिर सीएम बनता तो आप भिवानी और महेंद्रगढ़ लोकसभा, आपकी फरीदाबाद और गुड़गांव लोकसभा, ये तीन सीटें, और एक आप उसको रोहतक में काउंट कर सकते हैं, ये चारों सीटें इतनी प्रबल जीत दिलाती भारतीय जनता पार्टी को। अब उस विधानसभा का तो असर बाद में होता, लोकसभा में भी आज ही समय में चारों सीटें सेफ हो जाती, पर अब यहां के अहीर वोटरों को सोचना पड़ रहा है। अब हमारे यहां सांसद अहीर है, क्या करें, हमारी भागीदारी ऊपर मुख्यमंत्री तक की हो नहीं पा रही है, इलाके के काम हो नहीं पाते हैं, तो बड़ी भारी दुविधा लोगों के अंदर है। सवाल यही है, अगर आरती राव को लड़ा देते, राव इंद्रजीत सिंह को मुख्यमंत्री बना देते, तो विधानसभा में एक बार फिर रिपीट मार सकती थी। बिल्कुल करना चाहिए था, बिल्कुल करना चाहिए था। इस बार तो चांस नजर नहीं आ रहा है अभी तो। नहीं, चांस कहां नजर आ, यही तो मैं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी में जो नेता जाता है उसकी जबान कैसे बंद हो जाती है, कैसे उसको दबा दिया जाता है, ये मेरी समझ में नहीं आता है। हमें तो संशय हो रहा था, अगर जिनको भी मोदी जी अपने मित्र बता, आप देखिए दुष्यंत चौटाला जी को उन्होंने कहा था, मेरे आज सब हरियाणा के सबसे लंबे नेता से मेरी रूबरू हो रहा हूं, बातचीत हो रही है, मेरे साथ मंच पर खड़े हैं, और उस लंबे नेता को उन्होंने इतना छोटा करके हरियाणा में छोड़ दिया है। अगर वो अपने आप को बेचारा साबित कर रहे हैं, अपनी मजबूरियां गिना रहे हैं, अगर सत्ता के अंदर था तो मेरी बहुत सी मजबूरियां थी, मुझे तो विपक्ष में रहकर ही बोलने में मजा आता है, तो वो मान रहे हैं कि मुझे विपक्ष में ही रखो ताकि मैं आगे बोल सकूं, सत्ता में अगर रखोगे तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, मैं हमेशा दबा रहूंगा। गरीब साथ सोते थे, उनकी दरी खींच ली, ये उनका नियति है, ये भाजपा की नियति है, और ये तमाम विश्लेषण हमने किया। और इसी तरीके से, क्योंकि अब टिकटॉक भी घोषणा हो गई है, तो जाहिर है और लोकसभा चुनाव का माहौल गर्म हो जाएगा, अब चुनाव प्रचार भी शुरू हो जाएगा, तमाम नेता मैदान में उतरेंगे अपने अपने लोकसभा क्षेत्र के अंदर, और आपको तमाम राजनीतिक खबरें एचआर न्यूज पे मिलती रहेंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि लगातार अपडेट आपको मिलते रहें और इसी तरीके के विश्लेषण भी आपके पास आते रहें। फिलहाल विनय जी आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर आएंगे नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।